कहाँ थे भाई? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। जल्दी से इस चैप्टर को पकड़ के ख़त्म करते हैं, मज़ा बहुत आ गया इस चैप्टर को पकड़ के, है ना? अरे तो जो बता रहा हूँ, अल्कोहल वाला पोर्शन जितना लंबा था उसका जस्ट आधा फिनॉल है, उसका जस्ट आधा ईथर है। इसको पकड़ के ख़त्म करते हुए थोड़ा सा ऑर्गेनिक आपको दूर भगा के लेके चलते हैं ना, कहीं बाहर इनऑर्गेनिक वगैरह पे। चलिए भाई क्या पढ़ेंगे? चलिए, अल्कोहल हमारा कंप्लीट हो चुका था। अल्कोहल में कोई दिक्कत है क्या किसी को? बहुत लोग तो क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, बट अल्कोहल का कुछ दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, फिनॉल। फिनॉल के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पहले ही बता चुकी थी, जैसे कि फिनॉल का नाम। फिनॉल का नाम कैसे हमने देखा था भाई? फिनॉल होता क्या है? फिनॉल होता क्या है? ये क्या अपने पास में फिनॉल, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को, AROH, ठीक है। दोनों टाइप से हम फिनॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलता हूँ क्या मैं? फिनॉल। क्या बोलता हूँ उस चीज़ को मैं? फिनॉल, है ना? इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिनॉल में अपने पास इसी टाइप से कुछ और भी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, लाइक इस टाइप से। इसका नाम क्या होता है भाई? इसका नाम तो फिनॉल हो गया, इसका नाम क्या होता है? हमने फिनॉल ही स्टार्ट किया है आज, फिनॉल का तो पहला लेक्चर है हमारा, है ना? फिनॉल के बारे में, फिनॉल होता क्या है? इससे पहले जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए थे, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल और ईस्टर का, है ना, इस ईथर का, इस टाइम पे हमने आपको बता कर रखा था काफ़ी चीज़ें फिनॉल के बारे में, है ना? फिनॉल का नाम, फिनॉल होता क्या है भाई? अगर मैं इसका नाम पूछूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? अपने पास में बेंजीन रिंग है, इससे दो OH लगे हुए, इसका नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? पहला लेक्चर में इसको बता के रखे हैं, फिनॉल। नाम क्या होता है इसका? कैटेकॉल। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। इसका नाम होता है क्विनॉल। नाम आपको पता होना चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर इस टाइप से आपको कंपाउंड देगा, इसका नाम क्या होगा भाई? फिनॉल। अगर इस टाइप से दिखा तो इसका नाम भी आपका फिनॉल, इसका नाम होता है कैटेकॉल, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम होता है क्या? क्विनॉल। क्या नाम होता है भाई इसका? क्विनॉल। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसका प्रिपरेशन मेथड बताते हैं कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं। पहले इतना लिखिए आप लोग, हाँ, फिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल। फिनॉल, कैटेकॉल और रिसोर्सिनॉल इसका नाम होता है ना? ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस टाइप से तो फिनॉल, इस टाइप से तो कैटेकॉल, ऐसे आ गए तो रिसोर्सिनॉल, ऐसे आ गए तो क्विनॉल। ये पहले ही हम आपको बता के रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो इसका देख लेते हैं इसका देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड कि हम फिनॉल को बना कैसे सकते हैं, है ना? जल्दी से देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं पढ़ लिख के फिनॉल, फिनॉल को, है ना? इसके बाद देखेंगे क्या इथर, ईस्टर है। हाँ ठीक, इरेज कर देते हैं इसको। अगला हेडिंग बना लेंगे आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। क्विनॉल याद रखिएगा, है ना? Thank you.
चलिए जल्दी से इस चीज़ को लिखेंगे फिर मिटाते हैं इस चीज़ को, है ना। मिटा दें। क्विनोल, QUINOL, क्विनोल। चलिए अगले हेडिंग बना लेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। हल्ला नहीं भाई, यहाँ ध्यान देंगे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, हम फिनॉल को कितने टाइप से बना सकते हैं इसको अपने को देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्री में फिनॉल बनाते कैसे हैं। कहाँ भाई? इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं कि इंडस्ट्री में हम फिनॉल बना कैसे सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, इंडस्ट्री में हम फिनॉल बना कैसे सकते हैं, है ना। यहाँ ध्यान देंगे, इंडस्ट्री में फिनॉल बनाने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डॉव्स प्रोसेस। डॉव्स प्रोसेस, ठीक है। डॉव्स प्रोसेस अपने पास में होता है क्या, याद रखेंगे इस चीज़ को, एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डॉव्स प्रोसेस एग्जाम में पूछता है, इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल बनाने के लिए हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे थे, उस टाइप से यहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं, यहाँ पे दो या तीन ही हैं बस, उसको हमें देखना है। और दो तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। फिनॉल चैप्टर पे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहले डॉव्स प्रोसेस, डॉव्स प्रोसेस इस पर आप लिख सकते हैं भाई, इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपेयर फिनॉल। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपेयर फिनॉल, ये अपने पास में होता है ना। फिनॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं AROH, ये अपने पास में है क्या फिनॉल। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई डॉव्स प्रोसेस में क्या होता है पहले आपको बता देते हैं। डॉव्स प्रोसेस में हमारे पास में होता है क्लोरोबेंजीन, उस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ में करा दूँ, ध्यान दीजिएगा, क्लोरो क्या हो गया, अरे DOWS, डॉव्स प्रोसेस है ना। अच्छा चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, डॉव्स प्रोसेस में अपने पास होता है क्या, क्लोरोबेंजीन अपने पास में होता है इस टाइप से, है ना। ये अपने पास में क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हमारे पास में होता है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराना होता है हमें NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, है ना। अपने पास में तो क्लोरोबेंजीन होता है, इसकी रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूँ भाई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 673 केल्विन, एंड हमारा जो प्रेशर होगा वो होगा क्या, 300 ATM, ठीक है। क्या चीज, डॉव्स प्रोसेस। हैलोवेरिन वाला आपका, हैलोवेरिन आपका पहले हो चुका है ना। चलिए अगर हैलोवेरिन की बात करें भाई, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाने भी अपने को आना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये पता है कि डॉव्स प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन बना कैसे ये भी अपने को जरूरी है। अगर अपने पास में क्या हो, बेंजीन रिंग इस टाइप से हो, और इस बेंजीन की रिएक्शन में किससे करा दूं भाई, Cl2 के साथ में करा दूं, किसके प्रेजेंस में, Fe या फिर Al2CCl3 के साथ में, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन यहां से मिल जाएगा। हालांकि इसको आपको याद रखने की नीड नहीं है, डॉव्स प्रोसेस में बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, टेम्परेचर होगा 673 केल्विन और प्रेशर कितना होगा, 300 एटमॉस्फेयर, है ना। इतना अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो आपको स्कूल्स वगैरह में बताया जाता है। क्या बताया जाता है भाई, यहाँ से Cl बाहर निकला, इस पर आया नेगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव, यहाँ से N और OH का बॉन्ड टूटा, यहाँ से N पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से लगा दो, ऐसा करके यहाँ पर बना देते हैं। मैक्सिमम टीचर यही करते हैं,
बट ऐसा प्रोसेस यहाँ पे होता नहीं है, है ना? क्या चीज़, बहुत जगह पे ऐसे ही बताया जाता है। क्या बताया जाता है भैया, यहाँ पे देखते हैं मौका दस्तूर सब है, यहाँ पे सीएल को यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओएस लगा देंगे, बन गया फिनॉल, एनएससीएल यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बट ये प्रोसेस रियलिटी में होता नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म दिया गया नहीं है, तो अपने हिसाब से कुछ भी बताते रहते हैं, ठीक है? तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे भाई ये होता है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम फिनॉल नहीं बना देंगे, यहाँ पे फिनॉल बनने से पहले बनता है क्या, ओ एन ए, ओ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये हमारा बेंजीन रिंग जैसे कहता है सब, है ना? इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, याद रखिएगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, याद लिख लीजिए इस चीज को, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारे पास में बीच में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करवा देते हैं, HCl के साथ में या फिर किसी एसिडिक मीडियम पे इसको रिएक्ट करवाते हैं, क्या भाई, HCl या फिर H+ या फिर H2O, इनके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा दो, ये क्या करवाता है, एसिडिफिकेशन। जो यहाँ का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, इसका हम करा देते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन कराने के बाद अपने को यहाँ पे क्या मिल जाता है भाई, इसके बाद अपने को मिलता है यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे OH, ये अपना बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NA, और ये Cl क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं NaCl के फॉर्म पे, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म पे। तो ये हमारे पास में प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि NCERT में सिर्फ इसका रिएक्शन दिया हुआ है, मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म जानेंगे अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना? इंटरमीडिएट जब हमने आपको सिखाया था उस टाइम पे क्या बताया था, कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, कितने, कौन सी बोला, ठीक, कौन कौन सा, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, हमने बताया था, ये भी बताया था कि तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, ठीक है? लेकिन इस प्रोसेस पे जो इंटरमीडिएट बनता है आपका चौथा इंटरमीडिएट, क्या था वो, टोटल होते हैं कितने, सिक्स, कार्बोकेटायन, कार्बोन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन, छः होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितने हैं अभी, तीन, कार्बोकेटायन, कार्बोन आयन और फ्री रेडिकल, लेकिन ये आपके सिलेबस में है डॉक्स प्रोसेस, और इस पर जो इंटरमीडिएट बनता है आपका छठवां इंटरमीडिएट जो कि बेंजाइन है, वो यहाँ पे बनता है, बात समझ पाया, हाँ, बेंजाइन, बेंजाइन मैकेनिज्म में बनता है, उसको समझते हैं, ठीक है? ये तो हमने यहाँ पे नॉर्मल सा रिएक्शन लिख दिया, इस रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए, बात समझ पाई इतनी, ठीक, जल्दी से इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर इसका लिखवाते हैं क्या क्या मैकेनिज्म, ठीक, एक कॉल अटेंड करता
देखें क्या कहाँ चले गए थे। नहीं चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए भाई। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या इसका मैकेनिज्म होता है। याद आपको रखना है मोबाइल भाई मोबाइल। अरे यहाँ पे किसका पैसा गिरा हुआ है किसका है किसका है या किसका पैसा गिरा था। यहाँ रख देते हैं जिसका भी वह ले लेगा है ना। चलिए इतना बन जाएगा क्या कनिका याद हो गया। ये क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर देंगे। टेम्परेचर आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ठीक है 673 केल्विन। अच्छा ले लीजिएगा क्लास के बाद में है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हंसी मजाक की बातें होती रहेंगी। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग इसका मैकेनिज्म देखिए फिर बाद में आराम से माहौल लेते रहेंगे है ना। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं भाई इसका लेना है कहीं से लेना है। अच्छा अटेंडेंस अच्छा हो गया। हाँ बस दो नंबर उधर तीन नंबर चले। इसका नाम याद रखेंगे ना सोडियम फिनोक्साइड। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म है ना। इसका मैकेनिज्म क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे। इसका मैकेनिज्म देखिए भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा क्लोरोबेंजीन है ना। ये आ गया हमारे पास यह सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है ना। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है एन ए ओ एच के साथ में। किसके साथ में भाई एन ए ओ एच के साथ में है ना। अब यहाँ पे क्या होगा हमको पता है कि एन ए किस फॉर्म पे टूटता है एन ए प्लस और ओ एच माइनस के फॉर्म पे ठीक ना। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है हाइड्रोजन वहाँ पे होता है ना। अगर मान के चलिए वहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे क्या यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं। क्यों भाई क्योंकि यहाँ से ये किस फॉर्म पे बाहर निकलेगा H प्लस के फॉर्म पे बाहर निकलेगा। ये किससे रिएक्ट करेगा इस OH नेगेटिव से। यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। अपने पास में क्या बनेगा आगे यहाँ पे आ गया क्लोरीन यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिविंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। लिविंग ग्रुप क्या होता है लिविंग ग्रुप मतलब क्या जो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के हमारा मेन ग्रुप है मेन कंपाउंड है वहाँ से क्या होता है बाहर निकल जाता है। हमारा मेन यहाँ पे क्या है ये बेंजीन है। इस बेंजीन पे लगा हुआ है क्लोरीन जो कि बहुत अच्छा क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है। जिस वजह से ये क्या होगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के बाहर किस फॉर्म पे Cl- के फॉर्म पे यहाँ पे बाहर हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव यहाँ पार्शियली नेगेटिव है ना। तो आगे क्या होगा भाई हमारे पास में देखिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे वहाँ पे बॉन्ड क्या बना लेंगे वहाँ पे बॉन्ड। ये देखिए कुछ इस टाइप से ये हमारे पास से बनता है इंटरमीडिएट और इसी को बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं बेंजाइन बेंजाइन याद रखिएगा ठीक है। बेंजाइन क्या होता है भाई बेंजीन रिंग होगा उसके किसी एक या फिर दो कार्बन के बीच में क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इसको बोलते हैं बेंजाइन।
ऐसा कंपाउंड देखा था कभी आपने? देखे ना, ये होता है बेंजाइन। ठीक, अब क्या करेंगे, इस बेंजाइन की रिएक्शन फिर से करवा दूंगा, किसके साथ में, एन ए ओ एच के साथ में करवा दूंगा। फिर से किस फॉर्म पे टूटेगा भाई, एन ए प्लस आर ओ एच माइनस, है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई। आपको पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पर आया पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। बात समझ पा गए इतना? ठीक, इसके बाद क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव वाले के पास क्या लगा देंगे, नेगेटिव को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ये और ये, यहाँ पे आ जाएगा क्या, O और H। यहाँ पे क्या, अभी अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सीधा उठा के इसको यहाँ पे मत डाल देना, वो रिएक्ट नहीं करेगा वहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। वहाँ से हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ से हट जाएगा, ये फंडा अपने पास में बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो Na प्लस था हमारे पास में, ये Na प्लस कहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, इस O नेगेटिव के पास में, है ना, उस A नेगेटिव के पास में आकर क्या जुड़ जाएगा, Na प्लस यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो अपने पास में जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए थोड़ा सा, ये O पे क्या था, नेगेटिव, इससे क्या आकर जुड़ा है, Na पॉजिटिव। अब ये बेंजीन रिंग एज इट इज है, देखिए क्या वो बना, क्या सोडियम फिनोक्साइड, यहाँ ध्यान देंगे क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पे बन गया है। अब हम अपने जो अपना मेन चीज है, मेन कंपाउंड है, वहां तक हम पहुंच गए हैं, क्या पहुंचे हैं, यहां तक क्लियर। मैकेनिज्म बुक में नहीं है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, है ना, फिर भी आपके आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे, टेंशन ना लें, फिर भी नीट के एग्जाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करवाएंगे भाई, यहाँ पे करवा देंगे इसकी रिएक्शन किसके साथ में, HCl के साथ में, या फिर H प्लस, या फिर H2O। इसको क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन यहाँ पे करवा देंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये H किस पे टूटेगा, पॉजिटिव पे, Cl किस पे आएगा, नेगेटिव पे। बस पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाओ, क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में, ये यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaCl। ये हो गया हमारे पास में फिनॉल, बन जाएगा इतना। ठीक, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए इसका, साथ में ये भी नोट कीजिए इस चीज़ को, इतना ही है। ये होता है डॉब्स प्रोसेस, और याद रखिए कल से आप लोग का आयुपेक नोमेनक्लेचर का टेस्ट है, हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था, है ना, कल से वेडनेसडे को हमने अनाउंस किया था, मतलब कल है वेडनेसडे को, वेडनेसडे आज आयुपेक नोमेनक्लेचर का, आयुपेक नोमेनक्लेचर का टेस्ट है। क्यों सेजल पढ़ लिया आयुपेक नोमेनक्लेचर, सेजल हो गया आयुपेक नोमेनक्लेचर, नहीं हुआ, कल 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 मतलब कल, है ना। इतना बन जाएगा भाई, इतना बन जाएगा, नोट हो गया, जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए जल्दी। क्या MCQ नहीं, आपको लिखना है उस पर, तो आप वैसे में तो कोई भी, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आयुपेक नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अगर मैं आंसर लिख देता आप लोग सही कोई टिक मार के आ जाएंगे, है ना, बट आपको लिखने आना चाहिए ना उसका, आयुपेक नोमेनक्लेचर। चलिए टिक वाला रहेगा, कितना, 25 क्वेश्चन रहेगा, टिक मारना है, 50 नंबर का रहेगा आपका, MCQ रहेगा, MCQ रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। बट टेस्ट अगर रिटर्न होता तो आप लोगों को लिखने का टेक्निक पता चल जाता हमें।
आप लोग को फ्री रेडिकल के बारे में पता है क्या होता है? फ्री रेडिकल पता है क्या होता है? फ्री रेडिकल क्या होता है पता है ना आप लोग को? पता है क्या बॉन्ड ब्रेकिंग कितने टाइप्स के होता है? जो बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितने टाइप्स से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है? कौन कौन सा? होमोलेटिक क्लीवेज और हेट्रोलेटिक क्लीवेज, है ना। हेट्रोलेटिक क्लीवेज से क्या बनता है भाई, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। होमोलेटिक बॉन्ड की वजह से क्या बनता है? फ्री रेडिकल, है ना। और उसके लिए कंडीशन क्या होता है भाई, होमोलेटिक बॉन्ड की वजह के लिए, हाँ, और सेम या फिर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और सेकंड आपके एरो के ऊपर में क्या होना चाहिए? एच न्यू और हीट। एच न्यू और हीट आपने देखा, मतलब समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और वहाँ पे मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होने वाला है। इतना लिखिए, फिर अगला आपका जो इसका प्रिपरेशन मेथड है उसी से रिलेटेड है। क्या हो गया इस्मान, नहीं आ रहे? ठीक, कौन सा वाला? ये वाला, ये बेंजाइन है। इसको मेरे को नीचे लिखना था बट जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया। उसको नीचे लिखेगा, उसके बेंजाइन है वो। अगला अगर हो जाए तो लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमीन, क्या कहा हमने? क्यूमीन। क्यूमीन है ना। क्यूमीन है ना, देखे देखे देखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूमीन होता क्या है। कोई आइडिया है क्या किसी को क्यूमीन होता क्या है? सर थोड़ा थोड़ा नाम से आइडिया लग रहा है। जैसे डबल बॉन्ड होता है, कल से आप तीनों को अलग अलग बैठाना है अपने को। तीनों सर कूलर पास ना बैठेगा। अच्छा चलिए इसको ध्यान दिया। क्यूमीन होता क्या है भाई, क्यूमीन होता क्या, किसी कोई आइडिया है क्या? छोटा मोटा आइडिया बस आपको चाहिए। क्यूमीन होता क्या है, क्यूमीन होता क्या है भाई, क्यूमीन के लिए आपको क्या चाहिए? क्यूमीन के लिए बस आपको चाहिए क्या, एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको देखते हैं CH, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ये होता है हमारे पास में क्या, क्यूमीन। अगर इसका मैं IUPAC नेम पूछूँ क्या होगा? गलत कोई नहीं बोलेगा। IUPAC नेम क्या होता है इसका, IUPAC नेम क्या होता है? बेंजीन वाला जो हमने सेकंड रूल लिखवाया था वो यहाँ पे फॉलो होने वाला है। सेकंड रूल क्या था बेंजीन का, सेकंड रूल क्या था भाई, सभी ने पढ़ा है IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या होगा इसका आंसर? कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है वो, प्रोपेन टू बेंजीन। हमने आपको क्या बता कर रखा है कि बेंजीन अगर सिर्फ, बेंजीन अगर सिर्फ, बेंजीन अगर सिर्फ मीथेन और इथेन के साथ में रहेगा तभी वो क्या होगा, मेन कार्बन चेन में आएगा। अदरवाइज इसको मैं हमेशा क्या लूँगा, एज अ साइड चेन, एज अ साइड चेन बता कर रखा हुआ है। और जब बेंजीन का नाम साइड चेन पे होता है उसका नाम क्या होता है, बेंजीन जब साइड चेन पे होता है उसका नाम क्या होता है, क्या होता है भाई,
ये देखे क्या पी एच ई एन वाई एल फिनाइल फेनिल जो भी बोलना चाहें ठीक है वो होता है फेनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा अब टू 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 कोई दिक्कत है इस पे बेंजीन बोल रहे थे फेनिल नहीं बोल रहे थे फेनिल होता है ठीक है। चलिए इसे कॉमन नेम की बात करें इसे कॉमन नेम होता है भाई आइसोप्रोपिल बेंजीन है ना कॉमन नेम आइसोप्रोपिल हाँ ये कॉमन नेम है इसका इसका दूसरा कॉमन नेम इसको क्यूमिन बोलते हैं ठीक है क्यूमिन सी यू एम ई एन ई क्यूमिन इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन बोले या फिर क्यूमिन बोले ये दोनों इसका कॉमन नेम है। आईपैक नेम क्या है इसका टू फेनिल प्रोपेन याद रखिएगा इस चीज़ को है ना। अब इसी की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं फिनॉल बनाने वाले हैं ठीक है इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे फिनॉल बनाएंगे। बट यहाँ पे सोने पे सुहागा वाला काम यह है कि जैसे इसका मैं फिनॉल बनाने की कोशिश करूँगा साथ में कीटोन भी बन जाएगा ठीक है। तो जिसको बाई वन गेट वन फ्री चाहिए रहता है वो ये सिस्टम लगाता है फिनॉल भी बन जाएगा और कीटोन भी बन जाएगा है ना। फिनॉल के साथ साथ यहाँ पे कीटोन भी बन जाता है सिस्टम हमारे पास में होगा क्यूमिन सिस्टम जिसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमिन या फिर इसका आईपैक नेम क्या होता है टू फेनिल प्रोपेन ये कॉमन नेम है इसका बन जाएगा इतना ठीक मिटा दे ठीक है। चलिए इसके इसका हम देखते हैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन देखते हैं उसके बाद इसके मैकेनिज्म देखते हैं ठीक है फिर आज की क्लास एंड करते हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा भाई इसका रिएक्शन क्या होगा इसका रिएक्शन क्या होगा हमारे पास में क्या था क्यूमिन सिस्टम था क्यूमिन सिस्टम मतलब ये क्यूमिन ये हमारे पास में यहाँ सी एच यहाँ सी एच थ्री और यहाँ पे क्या था सी एच थ्री ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें कराना है किसके साथ में भाई ओ टू के साथ में कराना है रिएक्शन किसके साथ में कराना है ओ टू के साथ में कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या फिर हीट या फिर प्लस कर लो इसको प्लस हीट है ना। चलिए यहाँ पे आपने जैसे ही देखा एच न्यू और हीट क्या समझ गया यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा होने वाला है होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है कौन सा भाई होमोलेटिक क्लीवेज बॉन्ड ब्रेकिंग लेते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग है ना होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता क्या है फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा क्या फ्री रेडिकल इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है ना। क्यूमिन हमने लिया ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया किसके प्रेजेंस में भाई एच न्यू क्या सनलाइट इसको सनलाइट भी लिख लीजिए सनलाइट है ना सनलाइट क्या चीज आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म होता है इसको हम काले कलर का बोतल में रखते हैं क्या है उसका मतलब क्यों रखते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करता है सन के साथ में। अगर क्लोरोफॉर्म को हम लोग धूप में रख दिए वहाँ से वो रिएक्ट कर जाएगा रिएक्ट करने के बाद फॉस्जिन नाम का जहरीली गैस बना लेगा ठीक है और लैब में जितने लोग रहेंगे उनका खेल ख़त्म फिर हाँ आपके लैब में होगा अब बहुत मजे राहुल सर बता दिए थे करके है ना धूप में चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ना यहाँ होगा होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और कहाँ कहाँ पे होगा इसको भी देखिए ठीक है क्या होगा कैसे होगा इसको हम देखेंगे मैकेनिज्म में फिलहाल इसका जो रिएक्शन है उसको समझते हैं क्या करना है ठीक है। ये जो O2 है इसको आपको यहाँ बीच पे ले आना है कहाँ लाना है इस O2 को C और H के बीच पे लाना है कुछ इस टाइप से ये फंडा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में बहुत मज़े देता है लेकिन बाद में थोड़ा सा तड़पाता है और जो इस तड़प को सह गया ना मतलब उसका जो अंजाम है जो निखर के आएगा ना बेहतरीन निखर के आएगा ठीक है। तो इस चीज़ को सही है थोड़ा सा है ना क्या होता है क्या नहीं डेली प्रैक्टिस कीजिए ऑर्गेनिक के लिए है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा सा डायलॉग है कि रात को पढ़ा सुबह सफा है ना ये होता है। बट अपने को सब चीज़ को साथ में लेकर के चलना है ये सी यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री यहाँ ध्यान देंगे भाई यहाँ जाएगा सी एच थ्री और यहाँ पे क्या जाएगा देखिए इस ए के इस एच के बीच में दो ओ लगा देना है एक ओ ये यहाँ पे एच ठीक है ये एज इट इज ये हमारे पास में बीच में एज अ इंटरमीडिएट बन जाएगा ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई इसका नाम क्या बता देंगे आप लोग नाम क्या हो जाएगा इसका सिस्टम कैसा है क्यूमिन सिस्टम है इसमें है हाइड्रो
हाइड्रोजन है और बीच पर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होता है भाई? परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो तीनों को मिला के बोलिए, और कुछ ठीक है, आगे बोलिए ठीक ना। बन जाएगा इतना ठीक। इसके बाद फिर इतना बनने के बाद इसका हम करवा देंगे क्या, एसिडिफिकेशन। ये देखिए स्टार्टिंग में नाम आपको काफ़ी ऑड लगा होगा बता, बट आप इसे काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। एसिडिफिकेशन मतलब HCl के साथ रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में, या फिर H+ या फिर H2O किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दिए तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई? यहाँ से अपने को बन जाएगा यहाँ पास फिनॉल और बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा यहाँ से? ये बन गया देखिए फिनॉल, ये बन गया अपने पास में फिनॉल, और साथ में बन जाता है क्या कीटोन। नहीं दिख रहा क्या बाकी लोग को? दिख रहा है सबको, है ना। क्या बन जाएगा? कीटोन। कीटोन कैसे बनेगा भाई? कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3। अपने पास में ये दो कंपाउंड बनते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। हम बनाने गए फिनॉल, हमारे पास फिनॉल के साथ साथ बन जाता है क्या कीटोन। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है भाई? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमिन। क्यूमिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बीच पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HNU+ हीट। HNU+ हीट का मतलब ये कि आप वहाँ देखें, मतलब समझ जाओ वहाँ होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, है ना। होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वहाँ पे, है ना, और वहाँ से बनता है फ्री रेडिकल। मतलब ये जो मैकेनिज्म होने वाला है इसका, वो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बन जाएगा इतना मैकेनिज्म। देखें ये बस रिएक्शन था, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में पूछे ना पूछे आपको नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना ही चाहिए। आप लोग किस स्कूल्स में कौन से चैप्टर चल रहे हैं अभी? छुट्टी चल रहा है, बट कौन बोल रहा था टेस्ट है उसका? सेकंड चैप्टर चल रहा है वो वाला। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देखिए भाई। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म अपने पास सबसे पहले क्या लेंगे? क्यूमीन। ये हमने ये कराया देखिए। अब इसके बाद क्या करवाएंगे भाई? ऑक्सीजन O2 कैसे रहेगा? O डबल बॉन्ड O, क्या है यहाँ पे? HNU+ हीट, है ना। अब देखिए HNU का मतलब क्या? सनलाइट। अब सनलाइट पड़ा किस पे? इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे हुआ क्या? होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस टाइप से, है ना। जब होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो इस पे क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन किस पे आया? इस पे आया। बात समझ पाई क्या इतनी? ठीक। सेम काम कहाँ पे होगा? यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे। आपको पता है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेजन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, है ना। यहाँ हो जाएगा होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इस टाइप से, ठीक ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे तो ये वाला एरो मत लगा देना, ठीक है। होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में ये वाला एरो लगाना, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो, ठीक ना। चलिए भाई, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पर रेडिकल, इस पर रेडिकल, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल आएगा इसके पास में, और एक रेडिकल कहाँ आएगा? इसके पास पे। बात समझ में आ गई क्या इतनी? ठीक। यहाँ से हमारे पास में जो कंपाउंड बन के निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई? कुछ इस टाइप से, ये और ये। यहाँ पे क्या है? कार्बन। इससे लगा है CH3, इससे लगा है CH3। अब देखिए यहाँ पे रेडिकल है, इस कार्बन पे भी रेडिकल है, ये और ये जुड़ जाएंगे। आपको पता ना बॉन्ड कब बनता है? रेडिकल रेडिकल, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्री रेडिकल, सॉरी लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। ये तीन केस है अपने पास में। यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन है, और इससे क्या लगा हुआ है भाई? हाइड्रोजन। ये अपने पास में क्या बन गया देखिए? बीच वाला पोर्सन अपने पास में बन चुका है। अब इसका क्या करवा देंगे हम? इसका हम करवा देंगे क्या?
इसका नाम क्या बताए थे? परऑक्साइड है ना, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसका करवा देंगे क्या भाई, क्या करवाए थे हमने? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब एसिड, एसिड वहाँ पर रहेगा जो क्या देगा अपने को, H प्लस देगा। एसिड वहाँ पर रहेगा जो अपने को क्या देगा, H प्लस देगा, है ना। एसिड यहाँ पर रहेगा जो क्या देगा अपने को, H प्लस। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन यहाँ पे होगा, ये क्या देगा अपने पास, अपने को H प्लस देगा। और ये H प्लस देखिए कहीं पे, यहाँ पे H प्लस का अटैक हम करवा सकते हैं क्या, करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। हमारे पास में यहाँ इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये हाइड्रोजन अटैक कहाँ पे करेगा, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाएगा कहाँ पे, बॉन्ड कहाँ बना सकता है भाई, जहाँ से इसको सहूलियत हो। कहाँ सहूलियत हो, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ से बाहर निकाल सके। बाहर कहाँ से निकलेगा, अगर ये H प्लस अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये अपने पास में आ गया बेंजीन रिंग, अभी तक एज इट इज इसे कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे शोपीस है यहाँ पे, है ना। ये अपने पास में कार्बन, इस पर आ गया क्या CH3, इस पर भी आ गया क्या CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे ये अपना क्या करेगा भाई, H प्लस वहाँ पे चले जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर क्या किया है, इसको डोनेट किया है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन इसके पास में पहले से है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बना के रख सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए इसने, तीन बॉन्ड, जिस वजह से इस पर क्या आएगा, बात समझ पाई क्या इतनी, ठीक। उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन चाहेगा क्या कि उसका पॉजिटिव चार्ज वहाँ से, पॉजिटिव चार्ज वहाँ से हट जाए, पॉजिटिव चार्ज वहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, है ना। अब क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये वाले ऑक्सीजन से मदद, ये गया यहाँ, बात समझ पाया, वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा वहाँ से, वो वाला बॉन्ड वहाँ से टूट जाएगा। और जैसे ही वो वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, किस फॉर्म पे बाहर निकलेगा भाई, H2O के फॉर्म पे, ये यहाँ से बाहर निकलेगा कैसा, H2O के फॉर्म पे, H2O के फॉर्म पे यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकलेगा। अब जरा ध्यान देंगे, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रहेगा तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। वहाँ कहाँ ध्यान, इधर ध्यान दो, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, नीचे बहुत स्टाफ है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड पे गया तो कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन कार्बन पॉजिटिव चार्ज अपने पास पर रखेगा नहीं, वो तुरंत वहाँ पर रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, बात समझ पाया। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये जो फिनॉल है अपने पास, सॉरी फिनॉल बोलता हूँ, बेंजीन है अपने पास में, ये बेंजीन फेनिल है ना, ये कहाँ चले जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। आपने पढ़ा है क्या, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, वो शिफ्टिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। ये वाला फेनिल ग्रुप कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, देखिएगा जरा, ये अपने पास में CH3 है, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे O, ये फेनिल ग्रुप है, इसको मैं यहाँ पे pH लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत है किसी को, pH लिख दूँ क्या, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे स्मॉल pH ऐसे लिखेंगे इसको, P और H ऐसे मत लिख देना, इसका मतलब होता है फेनिल, इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप pH वैल्यू निकालते हैं ना, 7 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक, तो ये pH लिखते हैं वहाँ पे। फेनिल के लिए मैं क्या pH लिखूँगा, pH, ये वाला, ठीक है, याद रखेगा इस चीज़ को, क्या ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद फिर से यहाँ से जो वाटर हमने निकाला है, इसकी रिएक्शन फिर आपको यहाँ पे करा देना है, उसी वाटर को वहाँ पे क्या करना है, अपने को यूज़ करना है। देखते हैं किस टाइप से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी वाटर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखिएगा। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फिनॉल फेनिल ग्रुप वहाँ से निकला, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ रिएक्शन किससे करवाएंगे, फिर से वाटर से। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे बना दूँ क्या इस चीज़ को, ये अपने पास में ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर है भाई, मतलब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास में। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, भर भर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस कार्बन के पास में देखिए ऑक्सीजन की कमी आ गई, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर यूज़ करेगा, उसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ ध्यान देंगे भाई श्रेष्ठा,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे O और यहाँ पर जाएगा PH, ये वाले यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। लास्ट है, फिर आपको भी देखते लेके जाएंगे दिखाने, है ना? ये लास्ट है नहीं, जो वंशिका है ना, वंशिका अभी कर क्या, तो उसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। हाँ, अरे अभी वो उनका चला था ना, अभी क्या बोलना चाहिए, टॉपर है तो उनका हेलीकॉप्टर राइड चला था, उनका रायपुर से अंबिकापुर आई थी हेलीकॉप्टर में, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, 12th में आप लोग भी टॉप कर रही है, आप लोग को भी मिल जाएगा। सर ये तो प्रेम के लिए होता है, ऐसे ऐसे करेंगे उसके लिए, है ना? चलिए यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ख़त्म करते हैं फिर बाकी चीज़ें मस्ती बाद में, ठीक है? अब देखिए इस ऑक्सीजन 3 बॉन्ड यहाँ बनाया, इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना? अब पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालेगा, ये एच प्लस के फॉर्म पे बाहर निकला, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के गया, अब वो हो गया न्यूट्रल। इस टाइप से देखिएगा, ये अपने पास में आ गया CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे O, और यहाँ क्या जाएगा PH। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बहुत ही पास में है, किस चीज़ के बहुत ही पास पहुँच चुके हैं हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहाँ से हम बहुत ही पास पहुँच चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये O और H का बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, यहाँ से H प्लस हमें निकालना है, ठीक? ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ से H प्लस निकलेगा और उसी टाइम पे हमें ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है, इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे क्या आया था, पार्शली नेगेटिव, ठीक ना? ये वाला बॉन्ड टूट चुका है हमारे पास में, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये बन गया अपने पास में क्या, PH, है ना? यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा PHOH प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे CH3 है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे कार्बन, ठीक है? अब देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3, ठीक ना? इस PH को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी का मतलब, PH का मतलब क्या, फेनिल, इससे क्या लगा हुआ है, OH, ये बन गया हमारे पास में क्या, फिनोल, और ये अपने पास में क्या बन गया, कीटोन, बन गया इतना, ठीक, फिनोल भी बन गया और कीटोन भी बन गया, बाय वन गेट वन फ्री, हो गया काम खत्म। हाँ आप बोले थे कल अलग अलग बैठा है, तो मेरे को किसके साथ बैठा है, कूलर के पास बैठ जाना है, और ऐसे कल सबको आना है, भले उन्होंने पढ़ाई की हो या फिर नहीं की हो, टेस्ट आप सभी को देना है ना। पासिंग मार्क्स कितने भाई, जो पढ़ाए उससे हम क्वेश्चन लेंगे, कोई खतरनाक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सबको 50 out of 50 लाना है। हमने नीट वाले बच्चों का टेस्ट लिया IPF नोमेनक्लेचर से, एक बच्चे का आया 46 marks, ठीक है? तो उनका वो काफ़ी अच्छे से हो चुका है अब, और वहाँ पे हमने वहाँ पे टिक मारने वाले थे, तो खुद नाम लिखना था वहाँ पे, हमने बस स्ट्रक्चर दिए हुए थे, ठीक ना? तो उस लेवल का आपको तैयारी करना है, आप लोग भाई नीट एस्पिरेंट हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, उस लेवल का हमने आपको पढ़ा के रखा है, IPF नोमेनक्लेचर आपसे बनना ही चाहिए, है ना? ये सब तो आपके चैप्टर्स के हैं, तो बन ही जाएगा आप लोग से, ठीक? तो इतना काम कीजिए, इतना काम करने के बाद कल से आइए, कल से टेस्ट लेते हैं आप लोग का, कल लेंगे, है ना?